जमहूरियत करती करती मैं आप पे जमहूरियत करती करती मैं आप पे जमहूरियत हुई, यानी 4 करोड़ लगाकर भी एक साफ पानी की बूंद ना दे सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये फरमाए, सिंध खजाने के रखवाले डाकू, अदालत ये सुनाए, एहतसाब का महकमा हवा में उड़ाकर प्रवेश घटक सरकारी हेलीकॉप्टर पर दोस्तों की शादियों पे जाए और 80 अरब के डेवलपमेंट फंड से जाती डेवलपमेंट करके बलूचिस्तान का हाकम शेखों को शिकार खिलाए। जमहूरियत करती करती मैं आप पे जमहूरियत हुई, और है मुशर्रफ बेचे पाकिस्तानी जरदारी मेमो गेट करे और नवाज मोदी से केक कटवाए, चीनी मारे पुलिस हमारी को, अमरीकी बंदे मारकर वजीर आजम की कोट बेल्ट और जूते उतरवाए, आफिया रोज रोए अमरीका में, आसिया इंद्राबी श्रीनगर में आंसू बहाए, 5 सालों में 6 इजलास करके मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी चलाए, और सारे मेरे महकमे खसारे में, ऊपर से तुर्की के अलावा कोई दोस्त रह ना जाए। जमहूरियत कदी कर दी मैं आप पे जमहूरियत हुई। और आखिरी इसका है कि पेट मेरा खाली, हवा मेरी आलूदा, पानी मेरा हेपेटाइटिस फैलाए, मेरा रहबर रोज़ मुझे लूट कर रोज़ मेरे गुन गाए, काली रात में काला चश्मा पहन कर काले कमरे में रोज़ मुझे काली चींटी ढूंढनी पड़ जाए। जमहूरियत जमहूरियत कर दी मैं आप पे जमहूरियत हुई। अल्लाह इस जमहूरियत से माफ़ करे, ये अल्लाह इस कौम को इस जमहूरियत से माफ़ करे, अल्लाह इस कौम को इस जमहूरियत से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वाह भट्टी साहब, बड़ा जबरदस्त खाका खींचा है आपने। एक सवाल है मियां साहब का क्या बताऊं। मियां साहब की सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मियां साहब के, अभी मैं उसके चौधरी शुजात की किताब पढ़ रहा था, तो सिर्फ 8 मरतबा चौधरी शुजात को धोखा दिया मियां साहब ने, और कोई बंदा अभी तक मुझे नहीं मिला इस 37 साल सियासत मियां साहब की में जिसमें उन्होंने उस किसी से वफा की हो। अब उनका वो टॉक टॉक शूट शूट वाला भी बयानिया ख़त्म हो गया, वो गुड कॉप बैड कॉप वाला भी नहीं चल रहा, और घुटने वाला हाथ भी काम नहीं कर रहा, और गिरेबान वाला भी हाथ काम नहीं कर रहा। दर्जन मरतबा मियां साहब और मरियम साहबा ने भेजे हैं मैसेजेस सेफ पैसेज के और ऑनरेबल एग्जिट के, मतलब कि हमारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, और बाहर ये बयानियाँ हैं और अंदर ये बयानी है। तो मियाँ साहब आप मंतकी उस अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पे, और उसका सिर्फ एक ही हल है कि सबूत पेश करें। वाजिद ज़िया क्लीन बोल्ड हो जाए, ख्वाजा आरस जीत जाए, मगर बात इतनी है कि सबूत जब तक नहीं देंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम देखते हैं कि वकील सफाई जो है अमजद परवीज साहब, वो भी ख्वाजा हारिस की डगर पर चल पड़े हैं।